हेलो। हेलो हाँ, जय प्रकाश जी, जी, नमस्कार। नमस्कार जी जी कैसे हैं? सब परिवार सब कुशल हैं? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। हम राम पुकार राय बिहार से बोल रहे हैं, तेघरा अनुमंडल के तहत चकाइम गांव से। जी, जी आपका एक दो आपका जो कॉलिंग हो रहा था, बातचीत हो रहा था, सुन रहे थे, तो उसको हम रिकॉर्डिंग कर लिए थे। रिकॉर्डिंग, अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो अच्छा से हम सुने, और समझे एक लखीसराय का युवक आपसे बात कर रहा था, जी बिहार के लखीसराय का, जी जिसकी शैली बात करने के समय ही हमको लगा बहुत ही अजीब लगा। आजकल अच्छा, के लोग अभी भी कैसे कैसे कहने के लिए लोग कहते हैं शिक्षित हैं, जी लेकिन वह शिक्षा किस काम का, जो एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरा आदमी को सुनने के बाद जब खराब लगता है, तो आप अपने तर्क से तो उनको बिल्कुल अति कर दिए। हाँ, लगा कि जो उनको रास्ते पर बहुत हद तक आ गए थे, और जी जी उस दिन हमको लगा कि क्यों नहीं आपसे हम कभी कुछ सुझाव लें। तो जी मेरा ये कहना है कि जी हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि 6,743 जाति में मनुवादों ने बांट दिया। जब 6,743 जाति में बांट दिया गया, तो आज भारतीय मूल निवासी जो कहते हैं, जो भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच हमारे बिहार में भी चल रहा है, जो एक दिन हम सुने हैं उसमें भी, तो कहीं अर्जक संघ है, कहीं ये है, कहीं बहुजन समाज का है, कहीं कुछ है, कहीं जय भीम के नारे लगते हैं, कहीं कुछ लगते हैं, इतने खंडित खंडित हो करके अगर सभी लोग अपनी संस्था के माध्यम से सुझाव देते हैं, आम नागरिक को देते हैं, आम जनमानस को, तो ये लोग आपस में जितनी जाति बटी उसी तरह से खंड खंड में जब विभक्त हैं, तो लोग को समझ नहीं आता कि मैं किस संस्था में जाऊं, किस तरफ जाऊं, किनका विचार सुनूं, किनका विचार मुझे प्रभावित कर रहा है, इनका विचार इतना मुझे आकर्षित क्यों किया। ये सारी बातें जब होता थे, क्यों नहीं वो लोग भी अपनी एक मंच बना करके, जो इसका जो ये क्रांति जो चल रहा है, चेतना की क्रांति, तो क्यों नहीं उस पर सोचा जाए, जो अभी भी हम लोग बटे हुए हैं। तो हम कभी कभी आपसे सुनते हैं, जब हम इतनी भागों में बटे रहेंगे तो यही हर्ष होगा। और क्या होता है, हर पार्टी में हम एक चीज देखते हैं कि मनु स्मृति के सोच वाले जो हैं हर पार्टी में हैं। और कहा जाता है, जैसे समाजवादी कहा जाता है या बहुजन कहा जाता है, तो बहुजन में भी तो वही हाल है, समाजवादी में भी वही देखते हैं। बिल्कुल तो जब वैसे लोग हैं और वो जब उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं बोल पाते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर में रह करके हमारे बहुजन के साथ आपके लोग जो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उसका खंडन कीजिए, आप विरोध कीजिए। क्योंकि तो उनके दिमाग में तो रहता है कि नहीं, हम तो ये सोच वाले हैं, पार्टी तो बनी उसमें है। जी तो वैसे लोगों को पार्टी से नहीं निकाल कर, हालांकि निकला है, यूपी में निकल गया है, 6 साल मनुस्मृति वाले को निकाला गया समाजवादी से, क्या निकले और खिलाफ में किए तो उनको निकाला गया। तो वैसे ही लोग हमारे अगर संस्था में हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ने के लिए तो जुड़ जाते हैं, शायद जी हमारे यहाँ विजिलेंस का काम तो नहीं करते हैं, जो हमारे समाज के अंदर की बात को कहीं लीक आउट कर देते हैं, समय से पहले वो विवाद के घेरे में चला जाता है। जी तो मेरा इसी तरह से सुझाव आपसे था, लेना था कि जी कैसे हमारी समाज की सोच बदलेगी। आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हुए, एक घटना घटी है यूपी में जिसको हम देखे हैं, जी लेकिन उसमें एक चीज मीडिया वाले को देख रहे हैं कि बाबा राम रहीम पर कम, बागेश्वर बाबा जो सामने हैं उन पर कम, और ये एक नारायण हरि, नारायण नारायण हरि जो हैं, आचार्य जो हैं,
ये दलित समाज से आते हैं, ये जाति समझ करके इतना हाई तोबा मचा रखा है। और भी तो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा दिखाते हैं कि जो हम डायरेक्ट हनुमान जी से मेरा संपर्क है, और उनका भाई गोली चला दिया दलित के शादी में, वो नहीं बता पाए कि तुम्हारे पीछे पुलिस आ जाएगा जी। तो वहां तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को बताते हैं। हमारे लोग कैसे हैं जो वहां चले जाते हैं, और इतना प्रतिशत में लोग उस दिन गए हैं, उसमें किसकी मौत हुई, वो लोग तो सजग हैं बिल्कुल। तो हमारी कब ये लोग सुधरेंगे, क्या यही आपसे हम जानना चाहते हैं। हम चिंतित रहते हैं, सोच सोच करके चिंतित रहते हैं। हमारे गांव में भी ऐसे प्रवृत्ति के हैं। हम सर जाति सूचक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं संदेह को खत्म कर देता हूँ। मैं तो मानता नहीं जाति, बचपन से ही नहीं माना जी। लेकिन हम यदुवंशी से आते हैं जी, और हमारे यदुवंशी कृष्ण भगवान को समझ करके लोग सोचते हैं कि हम कुछ खराब भी काम करें ना, हम भगवान के वंशज हैं जी। लेकिन ये नहीं सोचता है कि उन्होंने किस मार्ग को अपनाने के लिए कहा था, किस रास्ते पर चलना। अगर उस रास्ते पर नहीं चलते हैं तो फिर हम उस पथ के राही नहीं है, उस रास्ते के हम राही नहीं है जी। यही सर, ये कब हमारे लोगों के क्षेत्र में भी बड़ी परेशानी है। हालांकि उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे गांव में भी जादव लोग हैं, इनको समझा समझा के थक जाते हैं जी। कि जितना मंदिर मस्जिद करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, अधिकार को जानिए, बाबा संविधान अम्बेडकर जी का, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जानिए, उन संविधान जो लिखे क्यों लिखे थे, किसके लिए लिखे, कितना प्रताड़ित हुए वो, सीखिए, उससे प्रेरणा लीजिए। लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है सर, दुखी तो हम भी हैं जी। तो आज तो मेरा पहला दिन था, और मैंने बहुत सारी सवाल आपके सामने रख दिया जी, और आपसे सुझाव लिए नहीं पाया। तो अब आप कृपा करें कि कुछ सुझाव मेरी जिंदगी जीने के लिए कुछ बताएं, कि हम उस तरीके से उलझन से निकल करके हम आगे बढ़ें जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आदरणीय जी जी। और आपने जो दुख तकलीफ अपनी बताई है जी, जो भी इस दुनिया में संसार में जी मनुष्य के रूप में जन्मा है जी जी, जिसके पास विवेक है, बुद्धि है जी, तो वह अपने दुखों को महसूस करके दुखी होता है जी, और दूसरों के दुखों को देखकर भी दुखी होता है जी जी, ये उसके मनुष्य होने का प्रमाण है जी। और जो मनुष्य मनुष्य होने के बाद भी अपने दुखों को तो दुख समझे और दूसरों के दुखों से इनकार करता रहे, बल्कि दूसरों प्रताड़ित करता रहे, तो वह मनुष्य होकर भी जो है पशुओं के समान ही लगेगा जी। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी। मेरा नाम हुआ राम पुकार राय। राम पुकार राय जी, हाँ। गांव में लोग समाज में प्यार से कहते हैं, नेता जी कहते हैं, सोशल वर्क किए थे ना जी, इसके लेकर के लोग कहते हैं, प्यार से कहते हैं नेता जी जी जी। तो जो समस्या आपने बताई है जी, और जो समाधान आप मुझसे जान रहे हैं जी जी, तो उस समस्या का जो समाधान है, भगवान बुद्ध ने बहुत पहले ही मनुष्य समाज के सामने रख दिया जी। लेकिन उस समाधान को करने के लिए जी, और उस समाधान का प्रचार प्रसार करने के लिए जी, जैसे कि अभी एक बीमारी आई कोरोना की जी जी, तो कोरोना की बीमारी का जो इलाज ढूंढ लिया वैज्ञानिकों ने जी, तो फिर ढूंढकर जो है अपने घर पर रख के बैठ जाएं, अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें, तो उससे काम चलने वाला नहीं था जी। उनको उस इलाज का जो है विश्व स्तर पर जो है उसका प्रचार प्रसार करना था जी। क्योंकि वो ये जान गए थे कि ये जो कोरोना बीमारी है जी, अगर मैंने अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित कर भी लिया इससे जी, और बीमारी अगर समाज में बनी रही, इस पृथ्वी पर बनी रही, तो हम लोग कभी भी उसकी चपेट में आ सकते हैं जी जी, या हमारी आने वाली पीढ़ियां उसकी चपेट में आ सकती हैं, इसलिए सभी लोगों को उस बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा जी। इसीलिए उस बीमारी का जो इलाज ढूंढा गया, उसका विश्व स्तर पर जो है प्रचार प्रसार किया गया जी।
इसी प्रकार से जो है भगवान बुद्ध ने जिस बीमारी को आप बता रहे हैं उस बीमारी का इलाज ढूंढा, और अपने लेवल से जो है जितना उनके पास सामर्थ्य था क्षमता थी उससे जो है पूरा जोर लगाकर अपने पूरे जीवन भर उसका दुनिया भर में प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन अभी कालांतर में जो है समस्या ये हो गई कि दवा तो अब भी मौजूद है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा है, और प्रचार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रचार करने के लिए एक प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। जिसको प्रचार करना आता होगा वही प्रचार कर पाएगा। तो अभी जो प्रचार है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। अभी लोगों की जो मुख्य समस्या उनको लग रही है कि अंधविश्वास, पाखंड, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही उनकी समस्या है। जबकि अंधविश्वास, पाखंड और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है एक अंधकार के समान है जिसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। केवल इतना जान लेने भर से कि यह अंधविश्वास है ये नहीं करना है उससे काम नहीं चलता। यह अंधविश्वास है यह नहीं करना है, इसके बदले में क्या करना है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब जो करना है जब तक आप उसको नहीं करने लगेंगे तब तक जो नहीं करना है उसकी कभी भी आपके चित्त में वापसी की संभावना है। ठीक है ना, आप समझ गए, आप नास्तिक जिसे कहते हैं कि भाई मैं नास्तिक हो गया, मैं किसी को नहीं मानता, तो आपने अंधश्रद्धा को काट दिया, अंधविश्वास को काट दिया। लेकिन आपकी पीढ़ियों की क्या गारंटी है? तो आपकी पीढ़ियां फिर से मतलब जो है वो जो अंधविश्वासी लोग हैं, अंधश्रद्धालु लोग हैं, उनके चपेट में आ जाएंगे। इसके लिए जो है आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपकी पीढ़ियां भी उसकी चपेट में ना आए। इसीलिए आपको जो है एक घर जो आपने छोड़ा है जिससे बदबू आ रही थी, जो कि रहने लायक नहीं था, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन अब आपको जो है एक ऐसा घर चाहिए जो आपके रहने के योग्य हो। जब तक आप उस घर में रहने के योग्य अपने आप को नहीं बना लेते या उस घर को नहीं ढूंढ लेते हैं, उसमें रहना शुरू नहीं कर देते, तब तक जो है यानी आपने घर छोड़ा है, आप बाहर हैं, और बाहर हैं तो वो लालच उस घर का जो है आपके आपको और आपकी पीढ़ियों को सताता रहेगा, और आपकी पीढ़ियां कभी भी उस घर में वापसी कर जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो है धम्मपद संघ ने इस बात को जो है बड़ी सटीकता के साथ समझा, सोचा, और ये निर्णय किया कि भाई क्योंकि जो लोग अपने आप को अमीरवादी कह रहे हैं, जो बौद्ध कह रहे हैं, उन लोगों के पास जो है बुद्ध का ज्ञान ही नहीं है। उनको बुद्ध के धम्म के बारे में पूछो तो कुछ भी नहीं पता है। पता है तो केवल इतना पता है कि अंधविश्वास को नहीं मानना, देवी देवता को पूजा ना करना, ईश्वर को ना पूजना, बस यही सब पता है। लेकिन बुद्ध के धम्म की कोई जानकारी ही नहीं है, जिसके कारण जो है वो उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए धम्मपद संघ ने प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई, और उस योजना में जो है 3 वर्ष का जो है पाठ्यक्रम तैयार किया, सिलेबस तैयार किया, 3 वर्ष का 3 वर्ष का, एक एक वर्ष करके जो है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो 3 इयर्स की ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं आप जो है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो ले प्रीचर का कोर्स है। साधारण जो बौद्ध होते हैं, कोई भी बौद्ध उसको इतना ज्ञान होना ही चाहिए, कोई पूछ ले कि बौद्ध धर्म क्या है तो वो टपाक से बता दे कि ये बौद्ध धर्म है, और कहीं पर भी बैठे उठे किसी से बात करे तो वहां पर धर्म की चर्चा कर पाए, इस लायक उसको बनना चाहिए। सर 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 1 मिनट, मैं बीच में आपका समय अभी ले रहा हूँ इस ढंग से कि ये दो सवाल आता है लोगों के बीच में चर्चा होती है, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध बौद्ध धर्म और धम्म, ये दोनों में क्या अंतर है? आप पहले मेरी जो बात है उसको पूरा सुन लीजिए, फिर ठीक उसके बाद जो आपकी लाइन होगी उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो साधारण बौद्ध जो होते हैं हर किसी को करना चाहिए, और बहुत ही साधारण कोर्स बनाया है, बहुत लंबा थोड़ा कोर्स नहीं है, और उस कोर्स को करने के लिए किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने ऑनलाइन स्कूल की व्यवस्था कर दी है, और विश्व अशांति निवारण स्कूल बनाया है हमने, और अभी उसका जो है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो स्कूल है वो शुरू हो गया है।
अच्छा फर्स्ट ईयर के स्कूल में लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट्स हैं अभी, और फर्स्ट ईयर के हमने लगभग 36-37 आचार्य बना चुके हैं, अच्छा जो कि अब जो है अन्य स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अच्छा और सेकंड ईयर के स्कूल में भी हमारे पास जो है 20-25 आचार्य जो फर्स्ट ईयर के जिन्होंने कंप्लीट किया था, जिनकी इच्छा हुई कि हमें सेकंड ईयर का जो कोर्स है, जो कि संस्कारकर्ता बनने का कोर्स है, जिनकी इच्छा हुई तो उन्होंने जो है उसमें एडमिशन ले लिया। तो 25-26 जो है स्टूडेंट उसमें भी हैं। और थर्ड ईयर का क्योंकि अभी शुरुआत है तो इतनी प्रोग्रेस नहीं है कि सेकंड ईयर तक कोर्स कंप्लीट होगा तो तीसरे साल के कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये धम्मपद संघ जो है अपना धम्म प्रचार का कार्य कर रहा है बड़ी व्यवस्थित ढंग से, और बिल्कुल उसी ढंग से जिस प्रकार से भिक्खु संघ होता था। भिक्खु संघ के नियम थे, धम्मपद संघ के भी नियम है। भिक्खु संघ के नियमों को तोड़ने वाले भिक्खु को जो दंड दिया जाता था, धम्मपद संघ के नियमों को तोड़ने पर भी धम्मपद संघ अपने सदस्यों को दंडित करता है। धम्मपद संघ इसके लिए जो है पवाना विधि का आयोजन करता है हर हफ्ते एक दिन में, और ये निश्चित करता है कि आपस में इन लोगों का व्यवहार जो है वो समुचित है, धार्मिक है या नहीं है। कहीं किसी के भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये विकार तो नहीं है, या विकार हैं तो कहीं सामाजिक प्रभावित तो नहीं हो रहा समाज जो इनसे। तो ये सबकी जो जांच करते रहना, और कहीं पर कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, जैसे कोई समस्या पैदा हुई तुरंत उसको निपटा देना, उस समस्या को बनाए ना रखना। तो इस तरह से जो है बड़े ही व्यवस्थित ढंग से धम्मपद संघ ये धम्म प्रचार का कार्य कर रहा है, और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ ये कार्य जो है ठीक है, ये करना चाहिए, तो आप भी यहाँ जुड़कर जो है इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें जो गूगल मीट पर जो हमारी क्लास चलती है ऑनलाइन, वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, दोपहर सुबह को, हाँ, और दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और शाम को जो है 8 बजे से लेकर 11-12 बजे चलती है। इसमें जो मेन टाइम होता है रात को 9 बजे से 10 बजे तक का होता है, जिसमें कि हम विभिन्न विषयों पर वाचन करते हैं। कभी बुद्ध उनका धम्म का, कभी बाबा साहेब का साहित्य, कभी संविधान। तो इस तरह से जो है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम जो है प्राइम टाइम है। इसके अलावा जो बाकी का टाइम है वो ट्रेनिंग टाइम है, उसमें हम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो है ट्रेनिंग देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं उसी तरह के स्टूडेंट्स को जो है उसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। और कभी भी किसी भी स्टूडेंट से किसी भी तरह की आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाती है, उनसे कभी मांग नहीं की जाती, और ये अपेक्षा की जाती है कि वो संघ के प्रति डेडिकेशन दिखाएंगे। जो संघ के प्रति डेडिकेटेड हो जाता है, जिसको समझ में आ जाता है, जिसको लगता है कि हाँ संघ जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा काम होना चाहिए, तो उस काम को जारी रखने के लिए जो भी उसके पास हर संभव सहायता होती है वो संघ को करता है, तन, मन और धन से। जैसा भी जिसका सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने आप करता है। संघ जो है कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालता है, लेकिन डेडिकेशन जरूर तय करता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ सहायता करने के योग्य है लेकिन वो सहायता नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका संघ के उद्देश्य के प्रति जो है डेडिकेशन नहीं है। तो इन बातों को जरूर चेक करता है, बाकी जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं होता और सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। कभी किसी पर जो है अगर दंड लगाया भी और दंड को अगर कोई असमर्थ है पूरा करने में, तो वो संघ से जो है क्षमा मांग सकता है, संघ के सामने अपनी असमर्थता बता सकता है कि मैं असमर्थ हूँ, कृपया इसमें कुछ आगे सोच विचार किया जाए। तो संघ उस पर भी सोचता है, विचारता है, क्योंकि संघ का उद्देश्य कल्याण करना है, विनाश करना नहीं है। इसलिए कभी भी जो है किसी के अनिष्ट के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये हमारी जो है कार्यशैली है, यदि आप इससे सहमत हों या इसकी जांच करना चाहें, तो अभी मीटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी 8 बजे से जो है, आपको मैं लिंक भेज देता हूँ और आप उसको ज्वाइन करके, और जो भी आपके मन में धम्म के प्रति जो भी प्रश्न हो वहाँ आप उठाइए, वहाँ पर हमारे आचार्य होंगे वो जवाब देंगे। संतुष्ट ना हो तो आप जो है मुझसे भी वो प्रश्न कर सकते हैं, अगर मैं उपस्थित ना हूँ तो हमारे जो संचालक महोदय होते हैं उनसे निवेदन कीजिए कि मेरे प्रश्न को नोट कर लिया जाए, और जब आदरणीय जी उपस्थित हों तो उनके समक्ष जो है मेरा प्रश्न रखा जाए, तो फिर आपके प्रश्न का जो जवाब दे दिया जाएगा। जी,
हाँ, एक चीज मैं निसंकोच बोलता हूँ, क्योंकि छुपा के रखना वो ठीक नहीं है, क्योंकि नींद होने नहीं देता है छुपा के रखने में। हम सर ऑनलाइन जो है ना, हम इतना ही हमको जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन कैसे हम इससे जुड़े हैं, कि ये हम लोग नहीं ध्यान दिए, समझे ना। हम लोग हाँ पहले के हिसाब से हैं, अभी वो मोबाइल खाली चला लेते हैं, आजकल जी बच्चा तो हर चीज चला लेता है, लेकिन हमारा ये हुआ कि जो फोन पर बात कर लेते हैं, आज थोड़ा बहुत है कि जो लेन देन काम चला, अपन पैसा वैसा इधर उधर, मान ली कोई काम लग गया तो कहीं से मंगवा लेना या भेज देना, ये थोड़ा बहुत हो जाता है। कोई बाकी बात चीज नहीं, मोबाइल के बारे में अभी ने कोई बात नहीं, जो आपके आसपास बच्चे हो ना, जी। कोई भी बड़ा बच्चा हो हाँ उससे बात करा देना, ठीक है सर, ऐसा हम ऐसा जो है उसको विद्यार्थी समझा है देंगे। मेरे पास में, हम बात कराएंगे आपको। हाँ, हाँ, तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं, बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट अच्छा पड़ता है, अच्छा बेगूसराय से जी। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट तेघड़ा अनुमंडल पड़ता है, और तेघड़ा अनुमंडल के तहत भगवानपुर प्रखंड काजीसलपुर पंचायत ग्राम चकायम वार्ड नंबर 2 से बोल रहे हैं जी। राम जी जी पुकार राय मेरा नाम हुआ, हाँ यदुवंशी कुल से हैं, जी और उसके रहते हुए भी हमने गांव में मंदिर बनाया बहुत दिन पहले, अपने पैसों से नहीं, ग्रामीण के, लेकिन उसमें हमने 3 साल समय बर्बाद किया, इसलिए बर्बाद आप समझते हैं, इस उद्देश्य से मंदिर हमने बनाया था कि हमारी गांव की बहू बेटी भूमिहार ठाकुर गांव में जाकर के जल चढ़ाने जाती है तो ताना मारता है, तो हमारे गांव में इसका मतलब व्यवस्था नहीं है, तभी तो ताना मारता है, तो क्यों नहीं हम अपने गांव में ही व्यवस्था इसको कर लें, हमारी गांव की बहू बेटियों के देख करके मजाक ना करे। जी ये स्वावलंबन बनने के लिए तो बना तो लिया, लेकिन मंदिर पर हम बैठते नहीं है, इसका कारण बता देते हैं। अब मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया लोग, वहां पर क्या करता है, लोग ताश खेलता है, जुआ खेलता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, जी शिखर खाता है, तो हम उस स्थान पर अगर बैठेंगे तो लोग कहेगा कि ये भी नेताजी भी उसमें शामिल है, तो बद भला बदनाम न भला। कहते जी ना लोग सर कि मेहंदी रंगवाती है छूट जाने के बाद, जब किसी को लगाने जाएंगे ना पहले हम ही को लगेगा, बिल्कुल तो इसीलिए सर हम उस बदनामी से ना हम दूर हटते हैं, जी मन जी मंदिर को जगाते हैं, लेकिन उस मंदिर पर जाकर के हम दिखावा नहीं करते हैं, जी जी हम मानते हैं मानवता की पूजा सबसे बड़ा पूजा है, जी तो उससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है ठीक है आदरणीय जी, फिर एक काम कीजिए, जी। जी हमारी बात काफी लंबी हो गई है जी जी और मीटिंग भी ज्वाइन करनी है, तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, लिंक जो है, जी आपके आसपास कोई बच्चा हो जी तो उसको बोलना कि भाई मैसेज पे मुझे लिंक आया है, जरा मीटिंग हाँ जॉइन करा दो, ठीक और उसमें सीख भी लेना कि कैसे उसको माइक खोलना है, कैसे वीडियो खोलना है, जी कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सिस्टम है, वो आप समझ जाओगे एक बार में। हाँ, जी तो ठीक है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ ठीक जी। ठीक, ओके। है।